खिलौना नूर का, और चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महत में, क्या ही चलता था इशारों, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना जो बशारत दी नबी सल्लल्लाहु के हवाले से। अनाजील अकाउंट उठा कर देखो, इंजील बरनबास उठा कर देखो, इंजील की कमेंट्रीज उठा कर देखो, हजरत ईसा ने कहा देर की आई से मून चंद मिनिस्टर टू स्लीप इन हिज बॉय एंड व्हेन ही शैल बी क्रॉल ही शैल टेक बाय द हैंड द बर्ड टू बी नॉट कास्ट इन हिम आउट। हजरत ईसा ने कहा मैं हकीकत तो चांद उनके बचपन में को लोरिया देकर सुना, एंड व्हेन ही शैल बी क्राउन, और जब वो नबी आखिर जमा बड़े हो जाएंगे, एंड व्हेन ही शैल बी क्राउन, जब वो बड़े हो जाएंगे ही शैल टेक बाय द हैंड वो चांद को अपने दस्ते कुदरत के अंदर करने द वर्ल्ड दिव्या दुनिया वालों उस नबी की तालीमात को ठुकराना नहीं, उसके पास दोनों जहानों की हुकूमत है, उनकी तालीमात को ठुकराना नहीं, उस पर अमल करना, उनकी बताई हुई बातों पर अमल करना। जब उनकी बताई हुई बातों पर अमल करोगे तो फिर तुम्हें भी बड़ी शान, फिर तुम्हारा मतलब और मकाम भी बुलंद हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारी निस्बत उसके साथ है जिसकी हुकूमत दो जहां है। गुलामी ते सेवा कुछ भी न मंगी, बड़ी शान मोहम्मद दे गला दी, गुलामी ते सेवा कुछ भी न मंगी, बड़ी शान मोहम्मद दे गला दी। जब तुम्हारी निस्बत तुम्हारा ताल्लुक सरकार के साथ मजबूत हो जाएगा तो फिर तुम्हारा रुतबा और मकाम भी बुलंद हो जाएगा, क्योंकि तुम उसके साथ तुम्हारी निस्बत है जिनका अपना रुतबा और मकाम बहुत ज्यादा बुलंद है। वमा अलैना इल्ला अल-मुत्तकून।